नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर, अभिनेत्री अनन्या पांडे को एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचना था। उन्हें 11 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन अभी वो अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए नहीं निकली है। आपको बता दें करीब 20 किलोमीटर का जो ये रास्ता है उसमें एक घंटे का वक्त लगेगा, जैसा कि हमारे सहयोगी मृत्युंजय बता रहे थे। लेकिन अभी तक एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंची है अनन्या पांडे। सुबह 11 बजे उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचना था। कल भी जब वो पहुंची थी तो थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए ज्यादा देर तक उनसे पूछताछ नहीं हो सकी थी। अभिनेत्री अनन्या पांडे से आपको बता दें आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट पर जब उनका नाम आया उसके बाद एनसीबी ने इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। तो जिस ड्रग्स केस का खुलासा हुआ उस मामले में अनन्या से पूछताछ हो रही है, आज भी होनी है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये पूछताछ किस आधार पर हो रही है, इसका जवाब आपके चैनल एबीपी न्यूज के पास है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन और अनन्या के चैट के आधार पर ही अनन्या को समन भेजा गया। आरोप है कि इस चैट पर अनन्या गांजे से जुड़ी बात कर रही थी। आरोप ये भी है कि आर्यन उस चैट पर गांजा अरेंज करने की बात कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि जब एनसीबी ने उस चैट के बारे में पूछा तो अनन्या ने कहा वो मजाक कर रही थी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है गांजे की बात को लेकर अनन्या ने मजाक बताया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। सूरज ओझा इस बड़ी जानकारी के साथ हमारे साथ ग्राउंड जीरो एनसीबी दफ्तर मुंबई से सीधे जुड़ गए। सूरज, ये बड़ी जानकारी जो आपने दी है। जी बिल्कुल विकास, ये जो चैट एक एक करके सामने आ रहे हैं, पहले तो ये पता लग रहा था कि एक इनक्रिमिनेटिंग चैट्स हैं, लेकिन अब जाकर ये पता चला है कि अनन्या और आर्यन के बीच में एक गांजे को लेकर चैट हुई थी, जो आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर, क्योंकि चैट ही आधार बनाया गया है इस पूरी समन्स को लेकर और अनन्या से पूछताछ के लिए। उस चैट में आर्यन पर ये आरोप है कि आर्यन ये कह रहे हैं कि आप गांजा अरेंज करा देंगी क्या, इस तरह का वो चैट है, जिसके बाद अनन्या कहती हैं हाँ मैं अरेंज करा दूंगी। हालांकि जब एनसीबी ने अनन्या पांडे से उस बारे में बातचीत की तो अनन्या ने कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। एनसीबी का ये भी दावा है कि जो चैट्स की लिस्ट उन्हें मिली है, चैट्स पूरे मिले हैं, उसमें इस तरह की बातें कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार इस तरह की बातचीत हुई है। अब एनसीबी इन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रही है। एनसीबी डबल और ट्रिपल लेयर पे भी वेरीफाई करेगी ताकि कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें पीछे ना रह जाएं, क्योंकि अब एनसीबी पे कई आरोप भी लग रहे हैं। तो एनसीबी को हर चीज़ का ध्यान रखना है ताकि फूक फूक के कदम रखा जाए, किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो और जांच को भी किसी भी तरह का जांच पर भी किसी तरह की रुकावट ना आए, इस वजह से आज वापस से बुलाया गया है। देखिए, अनन्या को 11 बजे आना था, वो अभी भी अपने घर पर ही हैं, आज भी वो लेट हैं। कल 2 बजे के बदले वो 4 बजे आई थी, तो देखना ये होगा कि आज वो कितने बजे आती हैं, अपना कितना समय एनसीबी के अधिकारियों को देती हैं। अगर समय कम लगा तो एनसीबी क्या वापस से बुलाती है, आज ये देखना होगा। बिल्कुल, मृत्युंजय अनन्या पांडे के घर पर ही मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, अभी का अपडेट क्या है और क्या ये भी संभव है, जिस तरीके से आपने सुबह अभी अपडेट दिया था कि वकीलों से भी सलाह मशवरा ऐसे मामलों में अक्सर किया जाता है, तो क्या उन्हीं की सलाह पर ऐसा मान के चला जा रहा है कि आप लेट जाएंगे तो ज्यादा देर आपको एनसीबी दफ्तर में नहीं बिताने पड़ेगी? देखिए, वो लेट जाएं या फिर अपनी स्वेच्छा से जल्दी जाएं, पर जब तक एनसीबी उनके सवालों से संतुष्ट नहीं होती तब तक तो एनसीबी छोड़ने वाली नहीं है। एनसीबी ने एक सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है, व्हाट्सएप चैट के आधार पर है। साथ ही साथ जो कुछ ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं, रात को 3:45 पर मुंबई के उपनगर से एक पेडलर को लाया गया है एनसीबी दफ्तर में, उससे भी पूछताछ हो सकती है और उस वहाँ पर भी अगर लिंक सामने आता है तो सामने सामने बिठा कर भी पूछताछ हो सकती है। तो जब तक एनसीबी संतुष्ट नहीं होती तब तक तो अनन्या को आना होगा, चाहे वो आज जल्दी या देर जाए। हालांकि जो समय दिया गया था उससे देर से जा रही है, पर आमतौर पर कोई भी इस प्रकार से क्लाइंट होते हैं वो वकीलों का परामर्श लेते हैं, सुझाव लेते हैं कि आने वाली परिस्थितियों में उन्हें किस प्रकार से जवाब देना है, सवाल के जवाब क्या देने हैं, किस जवाब को वो चुप रह सकती हैं, ये तमाम विकल्प जो है वो तलाशते हैं और वकील इसका अच्छा माध्यम बन जाते हैं। तो जो जानकारी है, कल भी यही हुआ था, कल 2 बजे का समय दिया गया था लेकिन 2:05 पर चंकी पांडे यहाँ घर पर पहुंचे, उसके बाद में उन्होंने वकीलों से संपर्क किया और फिर वो दोनों पिता और बेटी यहाँ से रवाना हुए। तो अभी तक कोई हलचल नहीं है, कुछ समय पहले तक हलचल हो रही थी, निगाहें हमारी टिकी हुई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अनन्या को आज एनसीबी दफ्तर तो जाना ही है। जी मृत्युंजय, आप बने रहिए ग्राउंड जीरो पर, जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप मृत्युंजय सूरज ओझा के जरिए एबीपी न्यूज पर हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी जुड़े हुए मुंबई से। जितेंद्र, जो ड्रग पेडलर एनसीबी ने रात में उठाया है जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अनन्या पांडे उस ड्रग पेडलर की बातों को जोड़ा जाए वहां बैठकर? इस संभावना से विकास इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बीती रात का ही डेवलपमेंट है और जो जानकारी एनसीबी सूत्रों से मिल रही है वो ये है कि ये इसी केस में, जिस एफआईआर में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, आर्यन खान समेत
कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो डिटेंशन हुआ है रात को, ये भी उसी एफआईआर के सिलसिले में ही है, तो हो सकता है कि उससे पूछताछ में कई और तथ्य सामने आए और जानकारी सामने आए, और जब अनन्या पांडे पेश हो एनसीबी अधिकारियों के सामने तो उनको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है, या फिर जो तथ्य इस पेडलर से मिलते हैं उसके आधार पर भी पूछताछ हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि जब आर्यन खान की जमानत अर्जी पर भी बहस हो रही थी निचली अदालत में और उसके बाद एनडीपीएस की विशेष अदालत में, उस वक्त एनसीबी ने बार बार जोर देकर यह बात कही थी कि अभी भी उनकी जांच चल रही है, अभी भी उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, कई और लोगों से पूछताछ हो सकती है। तो ये उसी कड़ी में अनन्या का अब नाम आया है और अनन्या को आज दूसरी बार बुलाया गया है पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर में। बिल्कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि जब तक एनसीबी संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप तीनों ही लगातार नजर बनाए रखें, दोबारा आपका रुख करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।